म्यूजिक इज माय लाइफ, ये सिर्फ मैं नहीं कहती, ये दुनिया का हर म्यूजिक लवर कहता है, चाहे फिर बात रॉक म्यूजिक की हो या फिर लाइट म्यूजिक की। म्यूजिक किसी के लिए पैशन बन जाता है तो फिर किसी के लिए टाइम पास, किसी के लिए करियर तो फिर किसी के लिए जिंदगी की भागदौड़ से बचने के लिए सुकून का रास्ता। बहाने अनेक लेकिन दवा सिर्फ एक, म्यूजिक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हरप्रीत आपको ले चलती हूँ हमारे आज के ड्रीम कम्स ट्रू के इस मेलोडियस एपिसोड में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भजन सम्राट व एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर द अनूप जलोटा से, जिनके लिए संगीत की परिभाषा ही अलग है, जिन्होंने संगीत पसंद करने वालों को संगीत की एक नई शैली से परिचित करवाया। क्या है वो शैली और कैसे किया उन्होंने ये सब, आइए जानते हैं उनकी ये कहानी उन्हीं की जुबानी। सारेगा पादा पादा पा पादा पगर मा गपदा निदानी पादा मानी दापा पादा पगर सनी पानी रे गरे सनी गारे सानी रे सा। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। It feels heaven to be here with the asset of India, master of bhajan and ghazal gayaki, the Anup Jalota. Sir, how are you doing? I'm fine and thanks so much for coming to my place. It's a pleasure, sir. ये मेरी किस्मत है कि मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपकी खूबसूरत सुबह ऐसी ही होती है रियाज के साथ? रियाज तो रोज होता है, और फिर कोई मेहमान आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है, तो खूबसूरत और हो जाती है सुबह। जैसे आज आप आ गई हैं तो खूबसूरती बढ़ गई है। कभी यहाँ गुलाम अली साहब आ जाते हैं उनके साथ, कभी जगजीत सिंह साहब आ जाते थे, हरिहरन आ जाते हैं, तलत अजीज़, पंकज उदास, न जाने सभी कलाकार, ऋचा शर्मा, जसपिंदर, ये सब दोस्त हैं। और जब मौका मिलता है हम सब यहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, गाते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे, कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना
न लगे मैं एक शाम। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे तुम्हारे शहर का मौसम। कमाल है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि हम अनूप जी के घर के म्यूजिक सेक्शन में बैठे हैं। अनूप जी, आई एम श्योर आपने यहाँ पर बहुत ही सारे सिंगर्स के साथ वक्त बिताया है। कोई एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा पल यादगार जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक बड़ा खूबसूरत पल था। उस दिन यहाँ कई कलाकार आए हुए थे, हरिहरन भी थे, जसपिंदर नरूला थी, रिचा शर्मा थी, तलत अजीज, पंकज उदास, उस्ताद रईस खान साहब थे और ग़ुलाम अली खान साहब आए हुए थे। वो भी गा रहे थे, हम भी गा रहे थे। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि मैं तबला बजाता हूँ। और मैंने कहा हाँ, आप तबला तो इतना अच्छा बजाते हैं, मुझे पता ही है। और वो तबला बजाने लगे और मैं गाना गाने लगा। तो उस वक्त की एक बड़ी अच्छी पिक्चर है, वो भी आप लोगों को दिखाइए। बिल्कुल ज़रूर, क्या शाम रही होगी वो। चलिए, हमने आपके दोस्तों के बारे में तो जान लिया, कुछ यादगार पलों के बारे में आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, उनका नाम है मेधा, और मेरा बेटा है आर्यमन। उसको संगीत का शौक़ है लेकिन उसको ये प्रोफेशन नहीं बनाना है, इसलिए वो अमेरिका जा रहा है पढ़ने। तो चलिए, मैं सोच रही थी कि अभी चल के अनूप जी के परिवार से एक मुलाकात करते हैं और इनके बारे में कुछ और जानते हैं। बेहद ही बिजी रूटीन के बाद अनूप जी अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं के बेटे आर्यमन से। Hey Aryaman, how you doing? Hey, I'm doing really well. I've just been relaxing because I have summer vacations. So you're studying at the moment? Yeah, I just graduated high school from Mumbai. Well, you know, there are times when your father is being called as the asset of India. How do you feel then? I feel an immense sense of pride. Uh-huh. And, you know, whenever I hear something great about my dad, it reminds me all that I've learned from him. I've definitely learned discipline from him. All right, Aryaman, thank you so much for talking to us and all the very best in life. Thank you so much. कहाँ से कहाँ चला जाता है, कहाँ भागते थे, कैसे बुलाते थे, किधर किधर, आप सोच नहीं सकते जो जिसमें शैतानी। सबका प्यार मैंने आशीर्वाद में हमने दिया। मुझे लगता है कि भगवान की कोई असीम कृपा ही होती है जिस वजह से इतना नाम आदमी कमा पाता है। मेहनत तो बहुत लोग करते लेकिन जिनका नाम होता है वो कुछ भगवान का आशीर्वाद होता है। उसके ऊपर आशीर्वाद था। हमारे पिताजी भी पद्मश्री थे, एक परिवार में दो पद्मश्री, ये बहुत ही रेयर होता है। अपनी शुभकामनाएं पूरी देती हूँ कि वो तरक्की करते रहे जीवन में और इसी तरह उनका मान सम्मान, स्वस्थ जीवन और बुलंदियों पर चाहे जाए और जो भी बड़े से बड़े पुरस्कार है भगवान उनको जरूर। अनूप जी कभी गुस्सा नहीं और उनमें एंगर है ही नहीं। वो बहुत ही अनयूजुअल चीज है जो किसी में नहीं। बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, 15 डेज अ मंथ बाहर ही रहते हैं, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो हम इतने मजे करते हैं साथ में कि फिर वो महसूस नहीं होता। मुझे उनका वो भजन बहुत अच्छा लगता है, वक्त चरत रामचंद्र, और दूसरा एक अच्छा लगता है केवट वाला। I must say, this house should have a tag name, Dream House. I mean, वाकई ये घर किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं लगता और जिस प्यार से इसे बनाया गया है कोने कोने में नजर आता है। अनूप जी बस रेडी होकर आने ही वाले हैं और उसके बाद उनके साथ तय करेंगे हम आगे का सफर।
Come on, Mango. Come. इनके साथ भी बड़ा अच्छा समय गुजरता है. Mango. Yeah, it shows that you are a pet lover. He is with us since last 5 years and very affectionate. But trust me, sir, I feel very lucky to be here. With अच्छा ये बताइए, भजन सम्राट होना, how does it feel? कैसा लगता है? ये तो लोगों ने बना दिया, मैं हूँ नहीं. भजन सम्राट तो हमारे पिताजी हैं जिनसे हमने सीखा है, या और लोग हैं जो इतना अच्छा अच्छा गाते हैं, तो लोग अपनी खुशी के लिए टाइटल दे देते हैं. टाइटल्स शायद हम डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन उनकी खुशी जो है लोगों की, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, तो उसको निभाना पड़ता है, ठीक से गाना पड़ता है. मुझे याद है कि मुझे जिस दिन प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन आया कि आपको हम इस बार पद्मश्री दे रहे हैं, तो मैंने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ को किया कि मुझे अभी फ़ोन आया है प्रेसिडेंट हाउस से कि मुझको पद्मश्री दिया जा रहा है. तो कहने लगी, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अब ज़रा ठीक से गाना. तो सच तो ये है कि जो पदवियाँ मिलती हैं, ये इनको बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझना चाहिए, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है. तो आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है. आई नो हर एक अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा ऑनर होता है, लेकिन कोई ऐसा जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो? एक बहुत स्पेशल था जो हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में मुझको वहाँ के हाउस के स्पीकर ने दिया था, ग्लोब अवार्ड. वो बहुत कम इंडियंस को दिया गया है, तो वो एक बड़ी चीज़ थी. फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ने अवार्ड दिया. हिंदी साहित्य जो हमारे महाराष्ट्र सरकार का है, उन्होंने दिया. तो क्योंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, तो इनको मैं बहुत महत्व देता हूँ. लेकिन सच तो ये है कि आजकल इतने फ़ोन आते हैं कि अनूप जी, कोई सपोज़ पटना से फ़ोन आ गया, अनूप जी हम आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं, आप पटना आ जाइए. तो मैं उनको कहता हूँ कि हमारे घर में आके दे दीजिए. इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव अर्नड अ नंबर ऑफ 100 सर्टिफाइड गोल्ड, प्लैटिनम, मल्टी प्लैटिनम डिस्क, उसके बारे में क्या? ऑल दैट इज एक्चुअली कमर्शियल थिंग, बिकॉज जो सेल ऑफ एल्बम्स हैं, कितने आपके एल्बम बिके, उसके ऊपर गोल्ड और प्लैटिनम डिस्क दिए जाते हैं. तो मुझको मोर देन 100 मिले हैं, और वो इट्स ऑन सेल. कोई गाना हिट हो गया तो एल्बम चलने लगता है, उसकी सेल के ऊपर ये सब मिलता है. हाँ, ये सच है कि बहुत लोगों को ये नहीं मिलता है, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मुझे मिला है, लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ. मैं समझता हूँ अवार्ड ये है कि मैं कितने लोगों के दिलों में रहता हूँ, कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, कितने लोग हमारा संगीत सुन के उसको सीखते हैं, तो मैं उसको ज़्यादा बड़ा अवार्ड समझता हूँ. फिर तो आप बहुत अमीर होंगे, बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं एंड इंस्पायर होते हैं. God is kind. वैसे ये संगीत आपको विरासत में मिला है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, उनसे ही मैंने सीखा. आई वॉज ओनली 7 years old. I started singing on stage. तो मैं पिछले कुछ 54 years से गा रहा हूँ स्टेज पर. इतने सालों से तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया स्टेज पर गाने का. तो ये लगता है कि स्टेज पर बैठते हैं तो लगता है कि सामने जितने लोग बैठे हैं कोई बैठा ही नहीं है, मैं शुरू हो जाऊँ. तो वो जो ऑडियंस फियर होता है, पब्लिक फियर, स्टेज फियर, वो सब है ही नहीं, उसका मज़ा लेते हैं स्टेज पे बैठ कर. तो घर में ही संगीत मिला, मेरी माँ वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, उनसे भी हमने सीखा. पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन अभी माँ हैं, हम उनसे अभी भी बैठ के कभी कभी बातें करते हैं संगीत की. जी बिल्कुल, पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी आपके फादर ही नहीं थे, वो आपके संगीत गुरु भी थे. yes. तो उनके साथ की जर्नी के बारे में बताइए, कैसे स्ट्रिक्ट थे, आपको डांटते थे, प्यार से समझाते थे, कैसे कुछ पर? सिखाने में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे. लेकिन वैसे बहुत प्यारे थे. कई बार ऐसा होता था कि कमरे में बंद कर देते थे कि
तीन घंटे बाद दरवाज़ा खोलूँगा और सिर्फ सा गाना है, बस एक ही नोट गाना है, तीन घंटा रे नहीं गाना है, सिर्फ सा गाना है। तो एक ही नोट पे हम तीन घंटा रियाज कर रहे हैं, तो शायद वही चीज़ें आज काम आ रही हैं। जो भी हम गा रहे हैं वो उनका कराया हुआ रियाज है, उसका असर हुआ है, उसका फ़ायदा हुआ है। तो वैसे कलाकार बहुत कम होते हैं, भजन उनसे अच्छा संसार में कोई नहीं गाता है, क्योंकि उन्होंने भजन जो जो गाए वो लगता था जैसे भजन को साकार सामने ला के खड़ा कर दिया, आप भजन के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा कमाल का भजन गाया। तो क्या इतिहास दोहराया जाएगा, पहले पुरुषोत्तम जी फिर आप, आपके मन में कोई सपना नहीं है आर्यमन को लेकर कि वो भी सिंगर बने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम भी पांच भाई बहन हैं, लेकिन सिर्फ मैं संगीत में आया, मेरे बाकी चार भाई बहन जो हैं वो संगीत में नहीं हैं। तो ये तो ईश्वर की कृपा होती है, देन होती है, किसको दे दिया किसको नहीं दिया। तो आर्यमन को वो टैलेंट नहीं मिला है और वो जुनून नहीं मिला है जो मुझे मिला था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जा रहा है अमेरिका पढ़ने, एंड इकोनॉमिस्ट बनना चाहता है, आई एम श्योर वो अपनी फील्ड में अच्छा करेगा। बिल्कुल, ये पैशन उसे ज़रूर मिलेगा कि जिस फील्ड में वो जाए अपने डैड की तरह ज़रूर कामयाब होगा। अच्छा, शाम चौरासी घराने के बारे में बताइए कुछ। अलग अलग स्कूल होते हैं संगीत के, कोई मेवाती घराना होता है, कोई आगरा घराना है, कोई शाम चौरासी घराना है। शाम चौरासी घराना पंजाब का है और उस घराने के बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार हुए हैं, जिसमें सलामत अली खां साहब, नज़ाकत अली खां साहब, मास्टर रतन, मेरे पिताजी भी उसी घराने के और मैंने भी उसी घराने से सीखा। तो उस घराने की ये गाने की जो खासियत है उसको हम अपनाते हैं और उस स्टाइल को सुन के लोग जो समझदार लोग हैं क्लासिकल के वो कह सकते हैं ये शाम चौरासी घराने का सिंगर है, ऐसा लगता है। तो ये वजह है कि मुझे पिताजी का अंग मिला है गाने का। बहुत से लोग मुझे सुन के कहते हैं कि इसने जलोटा जी का रंग अपनाया है। वैसे सर, हमने सुना है कि आप एक लंबी आलाप लेते हैं एक लंबी सी सांस में, इसका राज क्या है? इसका राज बड़ा मज़ेदार है और राज है बाबा रामदेव की प्राणायाम। हाँ, आप भी कीजिए, आपकी भी सांस लंबी हो जाएगी। वैसे इतने सुरीले सफर पर जी तो नहीं चाहता कि एक ब्रेक लें, लेकिन जल्द ही लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, फिर आपको ले चलेंगे इसी सफर के अगले पड़ाव पर। सी यू सून।